हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है ए, कोई भी एक नंबर है ए, इसका यहाँ पे अभी साइन क्या है, प्लस है। कोई भी नंबर हमारे पास है ए, इस नंबर में हम एक ऐसा नंबर ऐड करें एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या हुआ, एडिट, यानी कि एडिट का मतलब ऐड करना। इस नंबर में, दिए हुए नंबर में एक ऐसा नंबर हम ऐड करें जिसका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो बने। इस दिए हुए नंबर में एक ऐसा नंबर हम ऐड करें जिसका रिजल्ट ज़ीरो बने, इसे ही बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसे ही क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो प्लस ऑफ ए में अगर हम स्टूडेंट जोड़ दें माइनस का ए, इस माइनस ए को हम ऐड कर दें, माइनस ए को हम ऐड कर दें, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस ऑफ ए है, इसमें जो माइनस ऑफ ए है, इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो जो माइनस ऑफ ए है वो ए का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। समझ गए, ये रियल नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ ए जो है वो ए का क्या हुआ, एक एडिटिव इनवर्स है। मान लीजिए अब हमारे पास है माइनस ऑफ ए एक नंबर है, इस माइनस ऑफ ए में ऐसा क्या ऐड करें हम स्टूडेंट कि रिजल्ट हमें क्या मिले, ज़ीरो मिले। तो इस माइनस ऑफ ए में अगर हम प्लस ऑफ ए ऐड कर दें, तो हमें रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लस ए हमारे पास है, कि जो प्लस ए है, प्लस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। हम कह सकते हैं कि जो प्लस ऑफ ए है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए, कि प्लस ए माइनस ए का एक एडिटिव इनवर्स है। चलिए एग्जांपल देखिए, जैसे कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी हमारे पास नंबर है थ्री। अब इस थ्री में ऐसा क्या नंबर हम ऐड करें कि रिजल्ट हमें ज़ीरो मिले। इस थ्री में हमें क्या ऐड करना होगा, इस थ्री में हमें माइनस थ्री ऐड करना होगा और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो थ्री में माइनस थ्री ऐड करेंगे, रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस थ्री है इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ थ्री। माइनस थ्री इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ थ्री। इसी तरह से एक नंबर हम और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास है 4/5। हमारे पास एक नंबर है 4/5, दिस इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। इस नंबर का हमें क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स बताना है। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि जिससे इसका रिजल्ट जो है ज़ीरो बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे माइनस ऑफ 4/5, देन कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा -4/5 है वो एडिटिव इनवर्स है किसका, 4/5 का। जो हमारा -4/5 है वो इस नंबर का एक एडिटिव इनवर्स है। अब हम स्टूडेंट पढ़ेंगे इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कोई भी एक नंबर हमारे पास है ए, कि इसको ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, इस ए नंबर को ऐसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें क्या मिले, वन मिले। रिजल्ट क्या मिले हमें, वन मिले। तो स्टूडेंट क्या करना है, वन जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे जो वन है ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी ए में हमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे रिजल्ट जो है वन मिले। तो अगर हम 1/a से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ जो 1/a है, 1/a is the multiplicative inverse of a।
यानी 1/a का एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ठीक है ना, कि दोनों को कट करके रिजल्ट क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम ए को उस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ए को अगर हम उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमें यही मिलेगा ना, ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए, तो यही रिजल्ट मिलेगा। ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए आएगा, यानी दोनों बराबर हुए। इसका मतलब 1 जो है वो क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, कि ए को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ए अपनी पहचान नहीं छोड़ रहा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ए अपनी पहचान नहीं छोड़ता, ए इंटू 1 ए ही होता है, इस वजह से 1 आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो ये हमारा था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो चलिए इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट हमें 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है। किसका? 5 का एक हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है, यानी 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट हमें 1 मिले। तो 5 को हम 1/5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो मात्र एक ही ऐसा नंबर है जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है ना 1/5, यही हमारा क्या है, ये हमारा हुआ मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जो 1/5 है वही हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यही हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। चलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल से और समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है 2/3 का। इस 2/3 का हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस 2/3 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे रिजल्ट क्या बने, 1 बने। दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 1 बने, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट से ही तो डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा ना, इसके अपोजिट से ही तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो यानी कि 1/2/3, यानी इससे हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें कि ये देखो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1। लेकिन अगर हम इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, इस 3 को अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसको हम ऐसे लिख लें 2/3 और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से अपॉन में 2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1। तो जो 3/2 है, जो 3/2 है वही हमारा क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 3/2 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, 3/2 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस आइटा बी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आइटा बी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ए है वो है रियल पार्ट, और ये पार्ट हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज, देखिए स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्सेप्ट हमने यही तो किया था ना, जो भी हमें नंबर गिवन हो उस नंबर में हम ऐसा नंबर ऐड कर दें, एक ऐसा नंबर ऐड कर दें कि जिसका सम करने पे क्या आए, 0 आए। तो हम क्या करते हैं, इस ए को माइनस ऑफ ए ले लेते हैं और आइटा बी को हम ले लेते हैं माइनस आइटा बी। जैसे हम इनका सम करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, प्लस आइटा बी से माइनस आइटा बी कैंसिल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये जो माइनस ए माइनस आइटा बी है, ये ही एडिटिव इनवर्स है किसका, ए प्लस आइटा बी का। यहाँ पे जो माइनस ए माइनस आइटा बी है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस आइटा बी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं हम कि क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयटा। इस नंबर का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट आप एग्जाम में कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इसे लेट जेड कर लेंगे, कोई भी नंबर हमें गिवन होगा उसको पहले आप जेड से डिनोट कर देंगे। और मान लीजिए ये हमने कर दिया 3
फोर माइनस थ्री आल्टा, ठीक है, इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो सिंपली करेंगे सो देयर फोर एडिटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज माइनस फोर प्लस थ्री आइटा। इसके क्या किए हमने, साइन चेंज कर दिए, फोर माइनस का कर दिया और माइनस थ्री आइटा को प्लस कर दिया। क्या कहा था हमने कि ऐसा नंबर दिए हुए नंबर में हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे समेशन पर हमें क्या मिले, जीरो, ठीक है। एक नंबर गिवन नंबर में हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे समेशन जो है उसका सम जो है वो हमें जीरो मिले। तो देखिए माइनस का फोर प्लस का फोर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है माइनस फोर प्लस थ्री आइटा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी फोर माइनस थ्री आइटा, ठीक है। एक क्वेश्चन से और समझते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ रूट फाइव प्लस थ्री आइटा। इसका हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले लेट करेंगे z इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस थ्री आइटा। इसको हम z से क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। अब क्या करना है, लिखना है सिंपली सो देयर फोर एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इसको साइन चेंज कर देंगे इसके, रूट माइनस रूट फाइव एंड माइनस थ्री आइटा। इसके सिंपली साइन चेंज करने होते हैं स्टूडेंट, जो भी साइन है उसके साइन चेंज करने हैं, ठीक है ना। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं ना, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या करेगा, आएगा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। दोनों नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो आंसर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी कि रूट फाइव प्लस थ्री आइटा में अगर हम ऐड कर दें माइनस के रूट फाइव माइनस थ्री आइटा इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है, किसका, दिए हुए नंबर का। चलिए अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, ए प्लस आयोटा बी। तो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये क्या है, जेड है, तो इस नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। यानी कि a प्लस आइटा b, a प्लस आइटा b को ऐसे किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि हमें रिजल्ट में क्या मिले, वन मिले। इस नंबर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट में हमें वन मिले। तो आप कहेंगे कि इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए वन अपॉन a प्लस आइटा b। इस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होके आ जाएगा वन, ये रिजल्ट वन देगा। यानी वन क्या है हमारा, वन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, कि अगर मैं इसको वन से ऊपर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये वैल्यू बिल्कुल बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो a प्लस आइटा b a प्लस आइटा b के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर हमारा हुआ, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आइटा b। ये नंबर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आइटा b। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। अब हम क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट फाइव माइनस थ्री आयोटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, लेट कर लेना है z, दिए हुए नंबर को आप z लेट कर लेंगे माइनस थ्री आयोटा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज वन अपॉन z। देखिए अगर मैंने इसको z डिनोट कर दिया है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन z ही तो होगा ना, कि अगर हम z को डॉट कराएं वन अपॉन z से तो z से z कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, वन मिलेगा। यही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, दिए हुए नंबर को वन अपॉन z करेंगे। लेकिन हमारे पास z किस फॉर्म में है, हमारा z है ये, तो हम लिख सकते हैं इसको रूट फाइव माइनस थ्री आइटा। इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन रूट फाइव माइनस थ्री आइटा,
यही हमारा एडिटिव इनवर्स होगा ना, तो पलट के लिख देंगे तो यही हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट, वैसे तो ये आंसर की फॉर्म आ गई है, लेकिन ध्यान रखना है हमारे इस चैप्टर में मैथमेटिक्स का नियम क्या कहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान रखना है, कभी भी आइटा वाला पार्ट अगर नीचे आए, डिनोमिनेटर में आए, अगर आइटा वाली जो फॉर्म है वो आपको डिनोमिनेटर में दिखे, तो हमें इसका करना होता है रैशनलाइजेशन। क्या करना है? रैशनलाइजेशन। तो ये फॉर्म अगर ऊपर होती तो चल जाता, कभी भी डिनोमिनेटर में आएगी तो हमें इसका करना है रैशनलाइजेशन। तो क्या करेंगे, रूट फाइव माइनस था तो प्लस हो जाएगा, थ्री आइटा अपॉन में रूट फाइव और प्लस थ्री आइटा। रैशनलाइजेशन में सेंटर वाला साइन चेंज होता है ना, हमेशा आइटा के साथ वाला साइन चेंज होगा, ये कह के चलो, ठीक है ना। तो ये हम रैशनलाइजेशन करने वाले। देखिए स्टूडेंट, अब किसी क्या करना है, रूट फाइव प्लस थ्री आइटा को आप वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसे वन से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा रूट फाइव प्लस थ्री आइटा, ये तो सेम आ जाएगा। डिवाइड में देखिए क्या बन रहा है, ये ए माइनस बी, ये ए माइनस बी, और ये बन रहा है ए, और इसे हम मान लेते हैं बी, तो ये बन रहा है बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है किसकी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। किसकी आइडेंटिटी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी बन रही है। तो हम लिख सकते हैं ये हमारा होगा ए स्क्वेयर, ठीक है, माइनस बी स्क्वेयर। तो बी हमारा थ्री आइटा, उसका स्क्वेयर बन गया, ठीक है। इसे सोल्व कर लेंगे, रूट फाइव प्लस थ्री आइटा, और स्क्वेयर से आपको पता है रूट कैंसिल हो जाता है, फाइव माइनस, अब देखिए यहाँ पे थ्री आइटा का स्क्वेयर, थ्री आइटा का स्क्वेयर, थ्री का स्क्वेयर कितना होता है हमारा स्टूडेंट, नाइन होता है, और आइटा के ऊपर भी स्क्वेयर रहेगा, ठीक है, आइटा के ऊपर भी स्क्वेयर रहेगा। और आपको याद हो मैंने प्रीवियस वीडियो में वैल्यू याद कराई थी आपको, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू याद रखिए क्या होती है, माइनस वन होती है। आइटा स्क्वेयर कितना होता है, माइनस वन होता है। तो आइटा स्क्वेयर माइनस वन, यहां माइनस वन की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो रूट फाइव प्लस थ्री आयोटा अपॉन में फाइव आयटा की स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया नाइन। तो हम लिख सकते हैं रूट फाइव प्लस थ्री आयटा, और ये हो जाएगा नाइन, और फाइव फोर्टीन हो गया, फोर्टीन बाय में आएगा। एक तो आप क्या करेंगे, एक बार फोर्टीन इसके अपॉन में, एक बार फोर्टीन इस नंबर के अपॉन में, तो रूट फाइव अपॉन में फोर्टीन प्लस थ्री अपॉन में फोर्टीन इंटू आइटा, यानी रियल पार्ट को आप अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग कर लेंगे, तो हमें आंसर जो है ना वो ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में ही लाना होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको ऐसे कर लिया। तो जब भी आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे तो जो हमारा नंबर होगा ना वो वन अपॉन जेड होगा। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ध्यान रखिए उसका रैशनलाइजेशन आपको जरूर करके आना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसी के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का, इसके बाद आपके 100% डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का एक क्वेश्चन और देखिए, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ मान लीजिए नंबर है टू प्लस थ्री आइटा अपॉन में थ्री माइनस फोर आइटा, ये हमारे पास नंबर है, इसका आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेट करेंगे सॉल्यूशन, जब हम अपना निकालेंगे तो लेट करना है हमने इसको क्या, जेड। तो जेड हमारा हो गया टू प्लस थ्री आइटा अपॉन में थ्री माइनस के फोर आइटा, आप इसे लेट जेड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, सो देयर फोर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज वन अपॉन जेड, ठीक है ना। दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो वन अपॉन जेड जो होता है वही तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। लेकिन मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि वन अपॉन जेड है, जैसे आप इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो आप ऐसे करेंगे ना, वन अपॉन जेड की पूरी वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, टू अपॉन थ्री आइटा अपॉन में थ्री माइनस फोर आइटा, यही होता है ना हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। लेकिन आप ऐसे छोड़ के आओगे, ये थोड़ा आपको लग रहा है सिंपलीफाई फॉर्म में, नहीं, तो आप जो सबसे नीचे वाले पार्ट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से थ्री माइनस फोर आइटा अपॉन में टू प्लस थ्री आइटा, ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, जी हाँ यही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। लेकिन
मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में आपको ए प्लस आईटा बी की फॉर्म दिखे तो हमेशा क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो क्या करना है हमें, रैशनलाइजेशन। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में कभी भी ये नंबर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में कभी भी ये नंबर नहीं होना चाहिए कि 2 + 3 आइटा। तो आप इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए हम रैशनलाइजेशन करके एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं क्या है। रैशनलाइजेशन करना है 3 - 4 आइटा अपॉन में 2 + 3 आइटा, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रैशनलाइजेशन। तो नीचे वाली रकम का ही होता है ना, ये जो डिनोमिनेटर है इसका करेंगे हम रैशनलाइजेशन, 2 - 3 आइटा अपॉन में 2 - 3 आइटा। कर देते हैं स्टूडेंट, कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ऊपर अलग अलग नंबर हैं, तो पहले 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई, 3 2 = 6, 3 3 = 9, साथ में आइटा आएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9। ठीक है, ऐसे 4 से करेंगे, 4 2 = 8, -8 आइटा, एंड 4 3 = 12, माइनस माइनस प्लस। लेकिन ध्यान रखिए, देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, लेकिन आइटा आइटा से मल्टीप्लाई होके आइटा स्क्वायर बन जाएगा, ये इस चीज का आप ध्यान रखिए। नीचे देखिए a + b एंड a - b आइडेंटिटी बन रही है, तो a² - b² अभी पीछे भी हमने किया था, a² - b² का यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं, तो आपको वो बना देने हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 6 - 9 आइटा -18 है, तो ये बन गए 17 आइटा, और 12 आइटा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर होता है -1, आइटा का स्क्वायर आपका क्या होता है -1, तो आप -1 रख देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -12 अपॉन में 2 to the 4, और -3 का स्क्वेयर कितना होता है 9 होता है, और आयटा का स्क्वेयर कितना होता है -1। ये ध्यान रखना, स्क्वेयर 3 के ऊपर भी और आयटा के ऊपर भी है, तो जो आयटा के ऊपर स्क्वेयर आएगा वो -1 हो जाएगा, तो इसे मैं प्लस कर सकता हूँ। तो हम करेंगे -12 और +6, तो -6 बचा यहाँ से, और -17 आयटा, और अपॉन में क्या आपका चल रहा है, ये हो जाएगा हमारा 13। एक बार 13 को 6 के अपॉन में रखना है, एक बार 13 को 17 के अपॉन में, तो -6/13 -17/13 इंटू आयटा। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या आ गया आपका, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। ठीक है, यानी 1/z निकला है आपका ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम समझेंगे कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।